सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता, तो तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। खबरां दे बुलेटिन विच आप सब दा स्वागत है। मारदे हां सुरखियां ते एक नज़र। थां थां लगे ने गंदगी दे ढेर। चन्नी होणगे मुख्यमंत्री दा चेहरा। जागरूक कैंप लगाया। कांग्रेस नूं मिल रहा हुंगारा। दिड़वा हलके दे सर्वेखण ते एक नज़र। पतंग दी लुट कारण होई लड़ाई। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। खबर लैंदे आ फतेहगढ़ साहब। दोस्तों, किसी भी शहर ते आपां नज़र मारीए ते बारिश तो बाद एक अजीब किस्म दा जिहड़ा वातावरण है वह नज़र आउंदा है। ज़्यादा करके जदों सीवरेज बंद हो जांदे ने तां उस वेलां थां थां गंदगी दे ढेर लग जांदे ने। और फतेहगढ़ साहब दे विच वी अजिही खबर आ रही है कि लोकां दा लंघना बहुत ज़्यादा मुश्किल होया पिया है और थां थां लगे हुए ने गंदगी दे ढेर। मारो इस खबर ते एक नज़र। मैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी पंजाब। इस वेले फतेहगढ़ साहब विधानसभा हल्के दे विच असीं खड़े हाँ, जिहड़ा मेरा अपना निजी हल्का है। बचपन तो असीं देखिया कि यह इलाका जिहड़ा सी इत्थे टोभा सी, सरकारी टोभा सी, पहलां पिंड दी पंचायत हुंदी सी, फिर इह नगर कौंसल दे विच आ गया। ते जदों टोभा हौली हौली इत्थे भरिया लोकां ने जां नगर कौंसल ने भरिया, ते पता नहीं किहड़े वेले जदों पिछली सरकार आई है कांग्रेस दी, इतों के साढ़े विकास पुरश ने गुरजीत सिंह नागरा एम एल ए, उन्होंने इतने गंदगी जरा ढेर लगाने नगर कौंसल इतने गंद सीटन लग गई। इलाके के गुरद्वारा साहब है, आबादी बड़े व्डे पद्धर से है, बिल्कुल नाल नाल घर ने, और इन्नी गंदगी इन्नी बदबू इतों आँदी है, मक्खिया की इन्नी भरमार है, मच्छर इन्ना ज़्यादा है, और बिच शहर के बिल्कुल हार्ट के जी जगह है, तो इतने गंदगी के ढेर जोड़े लवाए जा रहे हैं। नगर कौंसल के गंद कट्ठा करते हैं, इतने जाके सड़ते हैं, तो मुड़के ये उत्ते नजायज कब्जे की चल रही है, गंद नाल भरते रहे, फिर इतने नजायज कब्जे कोशिश करने की करते हैं कोशिश। सो ये सारी जी कार्रवाई चलती है, ये शहर वास्ते बड़ी मंदभागी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही लोगों की सोच के खिलाफ काम किया, तो ये भी जो टोभा है ये साढ़े वास्ते बड़ा व्डा कलंक है। साढ़े बच्चों का जीना इतने दुभर होया पिया, साढ़े इलाके धार्मिक शख्सियत ने, धार्मिक स्थान है, ये सारी जी बर्बादी है, यदा जिम्मेवार कला ही जिम्मेवार जोड़ा वो कुलजीत सिंह नागरा, क्योंकि वो शायद वो मर्जी तो बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता। इतने पत्ता भी नहीं हिलता, जो गंदगी के ढेर लग रहे हैं, गंद पै रहा है, गंदी बदबू आ रही है, ਉਹ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 111 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 111 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50% ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਆ,
पानी की गल कर लीए पेट्रोल की गल कर लीए हर खेत्र दे विच चन्नी जी ने बेहतर फैसले किए हैं और हर वर्ग चन्नी जी नू प्यार करता है और मैं पूरी आस है कि 2022 दे विच साढ़े जड़े सीएम अज चेहरा जड़े लाने गए हैं तो साढ़े सीएम भी उही चुने भी जाएंगे और बहुत बड़ी मेजोरिटी के नाल असी जितांगे और चरणजीत सिंह चन्नी जी 5 साल तो थार काम करनगे। थैंक यू। गल इस वेले मैं समझदा कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी इस वेले किसी समाज नाल संबंधित नहीं है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी किसी एक वर्ग की आवाज़ नहीं है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी हर वर्ग की आवाज़ है और हर वर्ग ये चाहता है कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी आवे और उन्होंने उम्मीदवार ऐलान के नाल सिर्फ दुआबे च नहीं दुआबा मालवा माझा असी बहुत बड़ी गिणती दे विच सीटां जितांगे। धन्यवाद। खबर लैंदे आ संगरूर तो। जे कांग्रेस पार्टी की गल कर लईए तो चरणजीत सिंह चन्नी दे चेहरे नूं लैके किते ना किते कांग्रेस पार्टी नूं हुण पंजाब दे हर एक विधानसभा हलके तो हुंगारा मिलना शुरू हो चुका है। सुनाम तो गल करिए तो जसविंदर सिंह धीमान नूं कांग्रेस पार्टी की जो टिकट ते चोण लड़ रहे ने उन्हां नूं बड़ा प्यार सत्कार ते बड़ी इज्जत जिहड़ी आ हलके दे विच दित्ती जा रही है। सुनाम हलके विच किस तरह का माहौल रहा है वेखदे हां। खबर हमेशा कहना कि लारे वादे लोग बहुत सियाने ने हर एक पार्टी लाउंदी है हर एक पार्टी ने लाउणे ने पर मैं पहला कहा कि मैं तो आपके किरदार की गल कर आपके किरदार से वोट मांग रहा मैं वो गल पहला नहीं कही नहीं रहा। मैं तो कहना कि मैं अज इत्थे बोल रहा लारा नहीं लाउंदा वादा नहीं करता दिखावा नहीं करता ड्रामेबाजी नहीं करता जो है सच लोगों के सामने मैं रखता कि मैं कौन हाँ मैं की करना चाहना। पहला कहा जे किसी मुखी का बेड़ा बह जाए मुखी की नीत बिगड़ जाए वह लोग की कर असी की करिए लोग जानते कि पार्टी कोई माड़ी नहीं पार्टी सारिया वधिया ने पार्टी का मुखी है जिहड़ा वो पार्टी लै बहिंदा हुंदा है। इस करके ये नहीं असी कह सकते बिल्कुल ठीक है कुछ वादे ऐसे ने जिहड़े करे भी नहीं बिना करे पूरे करते गरीब लोगों को की चीज़ की लोड़ है। बिल 3 रुपये जुड़ माफ़ होया लोगों के बिच आ गया ये तो कोई लारा नहीं है। दूसरी जिहड़े बकाए लंबे समय तो लोगों के पे थे वो माफ़ हुए ट्यूबवैल जिहड़े पिंडां दे विच लगे ने किन्ने किन्ने बकाए और उहदे बिल माफ़ करे सरकार ने। और दूजी गल बेशक 2000 पेंशन का नहीं दे सके पर 1500 दिता ये भी बहुत वड्डी राहत है। सगन स्कीम का 50,000 दिता ये भी वड्डी राहत है। मेरे कहने तो भाव है भी ठीक है वड्डे लारे लगे कुछ कम ऐसे होंगे असं लारे ला दें वो वफा नहीं होंगे पहला भी होंगे है हूँ भी होया पर मैं समझता भी जोड़ा हूँ जोड़ा मुद्दा है जोड़ा साडा पंजाब मुड़ ला रहा है एक नीती कारपोरेशन की लैके आ रहे हैं माफिया राज खत्म करने वास्ते सिद्धू जी लैके आ रहे हैं। सिद्धू दे उत्ते लोग पंजाब दे विश्वास करनगे पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी लवे इको एक लीडर है फेस है जिहड़ा नवजोत सिद्धू है जिहड़ा आपदा स्वार्थ कोई नहीं पंजाब लई लड़ रहा है पंजाब दे मुद्दियां ते खड़ा जिहड़ी गल कहिंदे उत्ते खरा उतरदा है। इको एक बंदे दे लोग विश्वास करनगे कि एत की पलंदा नहीं आउणा। खबर लैंदे आ संगरूर तो। जे दिड़वा हलके की गल कर लईए तो दिड़वा हलके दे विच इस बार 14 उम्मीदवार जिहड़े चोण लड़ रहे हैं और सर्वेखण जिहड़ा है वह बकायदा तौर पर साडे रिपोर्टर ने किया है और किस पार्टी का किस तरह का आधार है किस तरह का वजूद है आपां इस पूरी रिपोर्ट से मारदे हाँ नज़र। करन घुमान जी दिड़वा तो गुलजारी मूनक खड़े हुए ने श्रोमणी अकाली दल वालों तो किस तरह का माहौल लग रहा है। देखो जी वाहेगुरु की पूरी कृपा है जूथ है जिहड़ा साडे नाल पूरा समर्थन कर रहा है तो दिड़बे हल्के 87 दे 87 पिंडां दे विच बहुत वड्डी लहर बनी हुई है। श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा गुलजारी मूनक है ये जित दे कदमां वल वध रहा है। पहलां किन्ना क फर्क नाल रहेगा? देखो 1600 कुछ वोटां दा अंतर सी जे 829 वोटां दे फर्क नाल सी हारे सी ते हुण लगदा वी फर्क वड्डे उस फासले नाल निकलूगा। देखो वाहेगुरु की कृपा लगदी है जी बहुत वड्डा मार्जन होगा तो एक मैं थोड़ा जहा होर भी थोड़े माध्यम राही कहना चाहना भी देखो जो आम आदमी पार्टी का कैंडीडेट है आसू बांगड़ ने जोड़े देख लो 5 लख रुपया लैके इन्हें ये इल्जाम ला रहा खुद हरपाल सिंह चीमा से ये तो स्पष्टीकरण भी मैं थोड़े माध्यम राही कहना भी यदा स्पष्टीकरण दे भी मेरे 5 लख रुपया लैके मैं हल्का इंचार्ज लाया उदा ये करप्ट बंदे ने जो हूँ यह कुछ कर रहे हैं ते सरकार बनन तो लुट्टा ही करनगे होर की करनगे। नौजवानों की अपील करनी नौजवानों यही अपील करना भी देखो
जिहड़ी तुहाडी अपनी पंजाब दी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल है। नौजवान साडे नाल वैसे वध चढ़ के तुरे भी होए ने बहुत पिंडां दे विच्चों, इस बारी जिहड़ी साडी चोण है वह नौजवानों ने चक्की हुई है। खबर लैंदे आ टांडे तो, पतंगा नूं लैके किते ना किते इन्हां दिनां दे विच काफ़ी बच्चियां च क्यूरियोसिटी है, हालांकि उसकी जिहड़ी चाइना की डोर है वह काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन जिस खबर के नाल आप सब नूं मैं रूबरू करवाउण जा रहा, पतंग की लुट नूं लैके बच्चियां दे विच आपसी लड़ाई हुई है और बच्चियां की लड़ाई किस तरह घर तक पहुंची है, वेखदे हां खबर। काम करने के लिए पता लगा मेरे पास फोन गया तो बोला कि बेटा तुम्हारा उसमें छप्पड़ में गिर गया, ते जल्दी सी ना आ जाओ, सब ने निकाल रहा है, निकल नहीं रहा है, तो मैं ऐसे भाग के चला आया। सब कह रहे उधर उधर है, उधर उधर का मेरा बेटा किनार पे लिखा हुआ था, तो एक बेचारा भला मांस आदमी आया, मैंने देखा जरा गोता मार जमीन पकड़ कर देखना, उसने जमीन पकड़े दूसरी गोते में उठा के ले आया मेरे लाल को, मेरे बेटा को। अगर थोड़ी देर पहले आया तो शायद मेरी बेटा की जिंदगी बची जाती मेरे लाल की। छप्पड़ दे विच अज रवि दा पहले बेटा डिगा, बेटे नूं बचाने वास्ते बेटी डिगी, मगर बेटी ने छाल मारी, बेटी दे बच बचा ली, बेटा नहीं बचिया, तो उन्हां दी इस करके डैथ हो गई। सरकारी टांडे सरकारी हॉस्पिटल लैके आए हैं पर नहीं जान नहीं बच सकी उन्हां दी। ए सी हुण तक दी अपडेट, नवीं ते ताज़ा खबरां लई जुड़े रहो एवन पंजाबी टीवी दे नाल। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजीलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लिफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री लिफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।